हाय एवरीवन, आज का जो टॉपिक है दैट इज टैक्स रेट्स फॉर कंपनीज। मतलब कोई कंपनी जो इंडिया में फॉर्म हुई रहेगी या इंडिया में कुछ बिजनेस करती रहेगी, उसको गवर्नमेंट को कितना परसेंटेज टैक्स देना पड़ेगा। आज है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, क्योंकि हमारे देश में ना अलग अलग कंपनीज के लिए ना अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, और यू कैन से अलग अलग टैक्स रेट्स एप्लीकेबल। कोई बोलेगा सर क्या बातें करते हो, अगर मुझे कोई ऑप्शन देगा तो मैं तो जो सबसे लेस वाला टैक्स रेट है वो ही चूज करूंगा ना सर। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो 30%, 25%, 22%, 15% ऐसे अलग अलग ऑप्शंस तो है, लेकिन सभी ऑप्शन से रिलेटेड ना कुछ कंडीशंस अटैच्ड है। इसलिए ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कोई भी एक चूज करो इंकी पिंकी पोंकी, नहीं वैसा नहीं है। यस, डेफिनेटली आपके पास ऑप्शंस है, आप चाहो तो अपना टैक्स लायबिलिटी कम करा सकते हो, बट उससे अटैच्ड कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इसलिए ना ये इतनी अलग अलग ऑप्शंस हो गए टैक्स कैलकुलेशन में कि सर एक्चुअली अभी हम लोग को जब सम सॉल्विंग आएगा तो हमें कौन सा ऑप्शन चूज करने का, हमें कौन सा टैक्स रेट अप्लाई करने का। तो चलो हम लोग इस पर थोड़ी डिटेल में बातें करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले है ना, मैंने क्या किया है, मतलब यहाँ पे एक कंपनी का टोटल इनकम है, समझो फॉर एग्जांपल टोटल इनकम में क्या क्या आता है, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। देखो सबसे पहले मैं तुम लोगों को अटेंशन है ना इस चीज पे दिलवाना चाहता हूँ कि देखो याद रखो, ये जो मैं पूरा तुम लोग को सिखा रहा हूँ दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ कंपनी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं तुम लोग को इंडिविजुअल का नहीं सिखा रहा, ये मैं तुम लोग को HUF का नहीं, फर्म का नहीं सिखा रहा हूँ, LLP का नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज पे ध्यान रखना कि आई एम टीचिंग यू टैक्स कैलकुलेशन ऑफ अ कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी भी हम किसी का भी टैक्स कैलकुलेशन करेंगे ना, तो अलग अलग इनकम पे ना इंडिया में अलग अलग टैक्स रेट्स हैं। तो बिल्कुल सर, ये तो हमको ऑलरेडी मालूम है, देख लो, लेकिन फिर से एक बार देख लो। अगर किसी की स्टॉक मार्केट रिलेटेड इनकम है और उसमें शॉर्ट टर्म आया है टैक्स, तो 15% है। अच्छा, स्टॉक मार्केट रिलेटेड इनकम में अगर आपको लॉन्ग टर्म आया है तो 10% टैक्स है। अच्छा, अदर देन स्टॉक मार्केट, लैंड, बिल्डिंग, ज्वेलरी, ये सब बेच के अगर आपको लॉन्ग टर्म आया है तो उस पर 20% टैक्स है, और विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, गेम शोज, पजल्स पे 30% टैक्स है, ठीक है। ये तो एकदम बेसिक है, इसमें कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, दिस इज वेरी बेसिक। तो ये जो टैक्स रेट सभी को अप्लाई होते हैं ना, वो कंपनीज को भी होते हैं, तो इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है, ये एकदम बेसिक चीज है जो इंडिविजुअल HUF, फर्म, LLP सबको होता है, वो ही सेम कंपनीज के लिए भी होता है ये वाले टैक्स रेट, ठीक है। तो सर स्पेशल क्या है फिर इसमें, स्पेशल जो है ना वो देखो, यहाँ पे तुम लोग स्क्रीन पे देखोगे ना तो जितनी भी बैलेंस इनकम है, दिख रहा है, मैं इधर मार्क कर रहा हूँ, देखो जितनी भी बैलेंस इनकम है ना उसका जो टैक्स रेट है ना उसमें स्पेशलिटी है, उसमें अलग 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 ऑप्शंस अवेलेबल है, किसी को 30, किसी को 22, किसी को 15, किसी को 25। मतलब क्या हो गया, मतलब मैं अगर तुम लोग को किसी भी कंपनी का टैक्स कैलकुलेशन पूछा ना तो ये वाली इनकम में तो कोई स्पेशल चीज मत करके आना। अरे पागल लोग, यहाँ पे तुम लोग गलती से कुछ 15, 22 ऐसे सब लगा के नहीं आना, यहाँ पे जो टैक्स रेट सबको एप्लीकेबल होते हैं वही टैक्स रेट्स कंपनीज को भी एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। मतलब सबसे पहली चीज क्या सीखने को मिली, सबसे पहली चीज ये सीखने को मिली कि ये जो एक मच्छी मार्केट बन गया है टैक्स रेट्स, अलग अलग टैक्स रेट्स, ये हमें हमारी बैलेंस की इनकम पे अप्लाई करना है। कहाँ पे अप्लाई करना है, एक बार मेरे साथ बोलना जोर से, बैलेंस की इनकम पे अप्लाई करना है, ठीक है। सर बैलेंस मतलब, अरे बैलेंस मतलब अभी उसमें बिजनेस इनकम आ गया, बैलेंस मतलब अभी उसमें हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई, बैलेंस मतलब उसके अंदर अदर सोर्स आ गया, विनिंग्स भले इधर हो बट विनिंग्स को छोड़ के कुछ होगा तो इधर अदर सोर्स की इनकम आ गई। अरे बैलेंस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया, सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो आपने इधर लिखा है। अरे याद करो, स्टॉक मार्केट का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है,
जो शेयर से कमाते हैं ना स्टॉक मार्केट में वो, लेकिन उसको छोड़ के कुछ लैंड का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, बिल्डिंग का हुआ और कुछ हुआ तो वो तो बैलेंस में ही जाता है ना। इसलिए कंपनी की ये जो सब इनकम होती है ना, बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, वो सब बैलेंस में चली जाए। चलो उसमें क्या स्पेशल है, देखो यहाँ पे ना मैं बहुत ही ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ ये वीडियो में, हम डिटेल में भी सीखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बट एक बार बेसिक तो समझ लेते हैं। देखो अब बैलेंस में ना, देखो ऑप्शंस कितने अलग अलग अलग। सबसे पहला ऑप्शन है इधर 30% या तो 25%। अब ये जो ऑप्शन है ना 30% या तो 25% वाला, ये एवरी ईयर जो हमारे बजट में अनाउंस होता है, मतलब बजट में, बजट तो अभी तक तुम लोग सब स्टूडेंट्स लोग को मालूम होगा बजट क्या होता है। ये देखो ये जो ऑप्शन है ना, ये जो हर साल बजट में अनाउंस होता है ना वो वाला ही है। और इतना तो तुम लोगों को मालूम ही होगा कि जो चीज़ बजट में अनाउंस होती है ना उसके लिए कोई ऐसा सेक्शन नंबर जैसा कुछ नहीं होता है। तो एस सच देर इज नो सेक्शन नंबर फॉर इट, बट बजट में जो एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जहाँ पे टैक्स रेट्स सब मेंशन किए जाते हैं, उसके अंदर ये दिया है 30% और 25%। अच्छा 25% अगर किसी को याद दिलवा दो तो वो मालूम है टर्नओवर अगर आपका 400 करोड़ तक है तो आपको 25% तक मिलेगा। सो ये वो वाला पार्ट है कि अगर किसी का टर्नओवर 400 करोड़ तक होता है, सर 400 करोड़ कौन से ईयर का, वो अभी डिपेंड करता है 17-18, 18-19, वो एक्चुअली हर बजट में उस ईयर को, बेस ईयर को वो लोग चेंज करते हैं। और आपका जो भी बेस ईयर बजट के हिसाब से है, कभी वो लोग बोलते हैं कि 18-19 का टर्न ओवर देखो, कभी वो लोग बोलते हैं 19-20 का टर्न ओवर देखो, जो भी है बजट के अंदर ऑलरेडी लिखा रहता है कि आप वो ईयर का टर्न ओवर देखो, अगर वो अप टू 400 करोड़ होगा तो आपको ये 25% का बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो भी मैं सिखा रहा हूँ वो बैलेंस इनकम के लिए सिखा रहा हूँ। चलो देखो अभी कैसा है, मतलब मैं कंपनीज के लिए ना और तीन अलग अलग ऑप्शंस हैं, 115BA, 115BAA, इसको आप बा बोल सकते हो बा, और एक 115BAB। सो BA, BAA, BAB, तो थोड़ा याद रखने के लिए भी सिंपल है, आजू बाजू में ही है एक BA है, फिर इसमें एक और एडिशनल ए आ गया तो BAA हो गया, और फिर उसके बाद BAB हो गया। अब इसमें कैसा है, मतलब मैं किसी कंपनीज को 25% का ऑप्शन दिया है, किसी को 22% का ऑप्शन दिया है, और किसी को तो 15% का भी एक फैसिलिटी दिया गया। सोचो किसी किसी कंपनी को 30% से सीधा घटा के 15% कर दिया है गवर्नमेंट ने, मतलब सीधा 15% का टैक्स रिडक्शन, सॉरी सीधा 50%, 50% का टैक्स रिडक्शन। अब सर ये हमें कैसे एज स्टूडेंट्स पता चलेगा कि हमें कौन सा टैक्स रेट अप्लाई करना है? देखो मैं नेक्स्ट वीडियो में ना ये सभी सेक्शंस का एक कंपैरेटिव एनालिसिस, जैसे डिस्टिंग्विश होता है ना, इन सभी सेक्शंस का मैं एक डिस्टिंग्विश डिस्कस करने वाला हूँ, BA, AA और BAB। बट बिफोर आई डिस्कस दैट मुझे एटलीस्ट चाहिए था कि तुम लोग ये थोड़ा सा फॉर्मेट वॉर्मेट बना के रखो, थोड़ा कुछ तुम्हारे सामने कुछ लिखा होगा तो जब मैं बातें करूँगा ना इसकी तो थोड़ा उसका एक अच्छा सेंस बनेगा। इसलिए मुझे चाहिए था कि मैं थोड़ा बेसिक अभी खाली बता दूँ, एंड ऑब्वियसली इन द नेक्स्ट वीडियो मैं इसका थोड़ा सा आपको डिटेल भी बताऊँ। अच्छा BA जो है ना वो स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए, BAA में ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई भी कंपनी क्लेम कर सकती है। अच्छा जो BAB है उसमें वापस गवर्नमेंट ने दोनों मिक्स एंड मैच अलाउ किया है, आप मैन्युफैक्चरिंग तो करो ही, उसके लिए हम आपको स्पेशल 15% का एक टैक्स रेट देते हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ के भी अदर इनकम्स पे भी डिस्काउंट दिया गया है 20। तो अगर आप देखोगे तो मैं अगर इधर थोड़ा सा अगर आप मार्क करने का मेरे को, देखो इसमें थोड़ा कुछ मैन्युफैक्चरिंग का बात है और इसमें भी थोड़ा सा कुछ मैन्युफैक्चरिंग का,
मतलब ये दो थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग की बातें ज्यादा करती है तो, और जो ये वाली ये मैन्युफैक्चरिंग की बातें कर रही है, इसमें भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग का, तो ये तो हमें मालूम ही है मेक इन इंडिया को गवर्नमेंट बहुत प्रमोट करती है, सो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग। सर तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? सर मुझे कोई ऑप्शन देगा तो ऑब्वियसली मैं तो 15% ही लूंगा। थोड़ा सब्र करो ना, रुको जरा, थोड़ा सब्र करो, धीरे धीरे समझेगा, नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, पहले थोड़ा एक फील तो ले लो भाई, यहाँ पे 25% है मैन्युफैक्चरिंग वालों को, यहाँ पे 15% है, ठीक है? और यहाँ पे वापस एक और ऑप्शन है कि मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ के और कोई इनकम होगी तो उसमें 22%, ठीक है? और इनको गवर्नमेंट ने ऐसा कोई स्पेसिफिक काम नहीं दिया हुआ है, बस इनके लिए कुछ थोड़ी बहुत कंडीशंस हैं, क्या कंडीशंस है वो मैं बताता हूँ, पर इनको कोई ऐसा स्पेसिफिक यही बिजनेस करो ऐसी जिद नहीं है गवर्नमेंट की, पर इनको भी एक बेनिफिट है 22, ठीक है? कोई बोलेगा सर ये सब में आपने ये डीसी 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 ये क्या लिखा है? देखो ये डीसी है ना, डीसी वो कुछ नहीं है बट वो है डोमेस्टिक कंपनी। मतलब देखो ये जो भी मैं आप लोग को अभी बैलेंस का सब सिखाया ना, ये सब डोमेस्टिक कंपनीज के लिए सिखाया है सब। अच्छा बाय चांस अगर फॉरेन कंपनी का आया ना, तो फॉरेन कंपनी को तो हमको मालूम होगा बजट के हिसाब से फ्लैट 40% ही होता है हर, प्लस सरचार्ज और वो सब ठीक है, सरचार्ज हेल्थ एंड एजुकेशन से वो तो अलग। तो ये जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल है ना, सबसे पहले आपको ये वाले बेसिक वीडियो में क्या सीखने को मिल गया, ये सब जो मैं आपको ऑप्शंस देने वाला हूँ ना, ये डोमेस्टिक कंपनीज के लिए है, इसलिए मैं इस पे घड़ी घड़ी मेक इन इंडिया बोल रहा हूँ, कि ये जो भी बेनिफिट्स है ये जो है वो सिर्फ डोमेस्टिक कंपनीज के लिए है। बेसिकली गवर्नमेंट जो है ना, अपना ये जो 30% का एक दाग लगा है ना इंडिया पे, दाग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग इसको बहुत हाई टैक्स रेट मानते हैं, बाप रे 30% इतना सारा। तो बेसिकली मोदी गवर्नमेंट इसको थोड़ा सा एक रिवोल्यूशनाइज करना चाहती है, ये एक मैसेज देना चाहती है कि नहीं भाई अब इंडिया में इतने टैक्स रेट्स नहीं होते हैं, अभी हमारी कंपनीज पे कम टैक्स लगा रहे हैं, तो एक एक नया इमेज क्रिएट कर रही है जहां तक इनकम टैक्स का सवाल है। तो ये सब डोमेस्टिक कंपनीज को होता है, जो भी स्पेशल बातें हैं वो बैलेंस इनकम के लिए है, जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड इनकम है या अदर 112 वाली है या विनिंग्स के हैं, वो सबके लिए सेम है, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।